चिराग सिंह जी, लगातार बातचीत हो रही है लेकिन लगातार बातचीत जो बेनतीजा रह रही है, क्या लग रहा है आपको, कहां पर फंस रही है पूरी बात, क्योंकि किसान तो अभी भी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं, कैसे होगा समाधान? बिल्कुल, किसान अपनी मांगों पर अड़े नहीं है, वो अपना हक मांग रहे हैं, जिस चीज के लिए वो दो साल से पिछले वेट कर रहे थे कि दो साल से इस पे बात होगी, एमएसपी पे, इनकम सपोर्ट पे, किसी तरीके से इस पे बात होगी, सरकार ने अपने कान बंद रखे, सरकार ने इस पे काम नहीं किया। आज जब वो सड़क पर वापस निकले हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो कोई अपराधी हो। बैरिकेड लगाकर आपने सड़कें बंद कर दी, कल बोल रहे थे सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, यहाँ तो सिर्फ पंजाब के लोग हैं, तो आज गाजीपुर बॉर्डर क्यों बंद कर दिया, आज वहां पे जाकर बसों से लोगों को उतार कर क्यों अरेस्ट किया गया, आज जम्मू में किसानों को क्यों अरेस्ट किया गया। देखिए, ये किसी एक स्टेट का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है, इस पे प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ेगी। वो हर चीज से छुप नहीं सकते, मीडिया वाले आएंगे तो छुप जाएंगे, आपसे कोई बात क्वेश्चन पूछेगा आप छुप जाएंगे, आज किसान आना चाहते हैं बात करने आप छुप जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी तो मीटिंग अरेंज कराई है, कल रात को उनको आना जरूरी नहीं था पर फिर भी वो आए, पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इसका कोई सोल्यूशन निकले, पर आज जो सरकार है वो इसका सोल्यूशन क्या दिखा रहे हैं आप? नीरज कुमार जी, मैं देख नहीं पा रही, क्या है आपके हाथ में? जी, मैं दिखा रहा हूँ जो किसान आंदोलनकारी वहाँ पर है, जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से आकर के वहाँ शराब पीकर आंदोलन कर रहे, उन्होंने ट्वीट किया है, देश का एक किसान, देश का एक अंदाजा सर मर्सिडीज में नहीं बैठ सकता क्या? नहीं बैठ सकता निर्मल जी, यही इनकी गंदी सोच है, ये चाहते हैं किसान जो है वो हमेशा कहीं नहीं अगर उसके पैसे से उन्होंने मर्सिडीज ले ली तो क्या कोई हक नहीं है महंगी गाड़ी में बैठने का? कितनी छोटी सोच है इनकी, ये दिखाते हैं प्रवक्ता, छोटी सोच है। नीरज सिंह जी, देखिए हमने प्रधान देवेंद्र त्यागी जी को सुना जो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार से कोई बातचीत नहीं बाकी बैठा हुआ है, दिशा में आप कैसे निकलेंगे? मुझे याद है अभी दो दिन पहले आप और हम बैठे थे, आप ये कह रहे थे कि नहीं सरकार को अच्छा काम बातचीत के लिए हमेशा से सरकार तैयार रहती है, अब आप इसे कैसे देखेंगे? आज चुके हैं, देखिए ऐसा है कि अगर जब तक किसान अपनी मांगे रख रहा है, लेकिन ये राजनीति पार्टी अपना अवसर ढूंढते हैं, ये बातचीत में बिल्कुल खलल डालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मांगे हैं, हम किसान भाइयों का मांगे हैं कि एमएसपी पे कानून लाए, वो ठीक है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून होना भी चाहिए, लेकिन एक ऐसी बात पैरेलल बातचीत सरकार से चल रही है, लेकिन आप जो ये देख रहे हो टाइमलाइन कि इसी में अपना जो है राजनीति पार्टी विपक्ष जो है आपस में छींटाकशी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो भी मांगे हैं वो राजनीति मुद्दा बन के ही रह जाती है। तो ये हमें बिल्कुल कतई ये नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि एमएसपी का बिल्कुल आना चाहिए, कानूनी विधान बनना चाहिए, लेकिन ये राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए और इससे परहेज करना चाहिए हमारे किसान नेताओं को भी कि हम किसी राजनीति पार्टी से बिल्कुल अलग रहे, चाहे वो विरोधी पक्ष हो चाहे वो सरकार हो, सरकार से जो भी हमारी मांगे हैं वो हमें मिलनी चाहिए। प्रखर सिंह जी, क्या वाकई में किसानों के आंदोलन को जानबूझ के राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए? नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही है कि जब क्या काम है विपक्ष का, किसी की कोई भी मांग हो तो उसे राजनीति का खड़ा बना दो, हितों के लिए ना खड़ी हो, खुद तो किए नहीं तो लोगों के लिए विपक्ष खड़ा होता है। सरकार जब तानाशाही रवैया अपनाए तो उसके खिलाफ विपक्ष का काम है खड़ा होना, और विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष जनता की आवाज है। जब इस देश में कहा जा रहा था इंदिराज इंडिया, इंडिया इंदिरा, आप क्या कर रहे हैं सर? आज की मौजूदा वक्त में स्थिति तो है सर, जिस विपक्ष को जनता की आवाज बनना चाहिए था, मुद्दे उठाना चाहिए था सर, वही तो गायब है, तभी तो जनता को खुद उठाने पड़ रहे किसान ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप किसी को और कह रहे हैं मर्सिडीज में चल रहा है, इसके बाद इसका उत्तर मुझे दे दे, किसान को बैलगाड़ी से पता लगे यहां में क्या आपकी सोच है, इनको चाहिए। अगर कोई किसान मेहनत करके कोई भी गाड़ी खरीदता है, अन्नदाता है, तो क्या किसान खाली बैलगाड़ी में चले?